Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. Bless your name, Lord. Lord, we bless your name, bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Bless your name, Jesus of Nazareth. I bless your name. Jesus of Nazareth, I bless your name, bless your name. Hallelujah. आज मैं आपके साथ एक बड़ा अद्भुत संदेश बांटने जा रहा हूँ और मेरा मकसद है कि इसको रिकॉर्ड करूं और YouTube पे डाला जाए। लेकिन अगर आप आज की रात कुछ अद्भुत परमेश्वर के वचन में से सुनना चाह रहे हैं तो अगले 35 टू 40 मिनट्स स्टिक विद मी। हालेलुया। फादर, लेट योर होली स्पिरिट मूव, लेट योर एनॉइंटिंग कम इन दिस प्लेस लॉर्ड, लेट योर स्पिरिट मूव, योर माइटी प्रेजेंस। हालेलुया। Father, let your mighty presence come upon this broadcast. Lord, break the divine bread. And Lord, let the revelation burst out to open many eyes, to draw many hearts
into deeper and more intimate walk with you. यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके साथ बहुत ही अद्भुत संदेश बांटने जा रहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। जय यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की एक प्यारी दासी सूजी ताज इनका नाम है और सुषमा। सुषमा आप बोलिए। आप सुषमा बोलिए। आप अपना नाम सुषमा। हालेलुया। हालेलुया। और अभी आप न्यूयॉर्क से कनेक्ट हैं। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क या न्यूजर्सी। न्यूयॉर्क। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा आप प्रार्थना करें इस सभा के लिए। Would you kindly lead in prayer? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी इस संगति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये समय जो आपने नियुक्त किया है आज के लिए पिता पर। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रभु जी आज आपसे मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर और अपने आप को झुकाते हैं पिता परमेश्वर कि आपका कलाम पिता परमेश्वर जो आज आपने अपने अपने दास के थ्रू पिता परमेश्वर हमें भेजना है पिता परमेश्वर हमारे कान उनको सुनने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके आपके वचन को सुन के प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी जो आपने इन्हें रेवलेशन दिए हैं पिता परमेश्वर जो आपने अपनी बुद्धि इनमें डाली है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो 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 भूख इनके अंदर है पिता परमेश्वर के आपका काम पिता परमेश्वर आपका राज इस पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी राज की बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का सारा समय प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आज आपसे मांगते हैं प्रभु जी। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। लॉर्ड वी प्रे फॉर योर डॉटर। वी प्रे दैट यू ब्लेस हर। We pray, Lord, that you would bless her household. You would bless her children and their children. I pray, Lord, that your hand will be upon her life. I pray also for her daughter who is married to a pastor. I pray for that brother's life and their family. And I pray for the ministry that they do. Lord, I pray for the sheep of your pasture that you have given him to tend and nurture and raise them up and turn them into glorious bride of the Lamb. I pray, Lord, that your hand will be upon their resources. You would bless them and you would cause their resources to be multiplied. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आज की रात जो वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु जो लोग सच में तेरी वचन को जानना चाहते हैं और प्रभु तेरी गहरी बातों को समझना चाहते हैं ताकि उनका तेरे संग प्रगाढ़ और गहरा संबंध हो। प्रभु उन लोगों को ऑनलाइन रखना और इसके बाद जब ये वचन जाए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे। तेरा नाम क्या हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही गहरा संदेश बांटने जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन का ये प्रकाश शायद आपने पहले ना जाना हो तो सुनिएगा ध्यान से और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को धनी बनाइए। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23। आप में से सभी लोगों को भजन संहिता 23 की मालूमात है। आप में से बहुतेरे लोग उसे
कंठस्थ भी करते हैं, रिसाइट भी करते हैं, मुंह जवानी जानते हैं भजन संहिता। भजन संहिता 23 बहुत गहरा है, जिसमें जो बातें हैं बहुत डीप हैं, बहुत गहरी हैं। जब तक हम पुराने नियम की पूरी बुनियाद समझ नहीं पाते, हम नए नियम को कभी समझ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कार्यशैली, परमेश्वर के मार्ग कभी हम पर प्रकट नहीं होंगे यदि हम इन गहराइयों को नहीं जानेंगे। हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक संग्राम छेड़ा है, एक युद्ध है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और ये युद्ध है मृत्यु के विरोध में। देर इज अ वॉर दैट हैज बीन वेज्ड सिंस द एंशंट टाइम्स, एंड दिस वॉर इज अगेंस्ट डेथ, मृत्यु के विरुद्ध ये लड़ाई है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे 23 अध्याय व्यवस्था विवरण, 23 अध्याय व्यवस्था विवरण शुरू होता है, लिसन ओ हेवन आई विल स्पीक, हियर ओ अर्थ द वर्ड्स दैट आई से, माई टीचिंग विल फॉल ऑन यू लाइक रेन, माई स्पीच विल सेटल लाइक ड्यू। अगर आप ये पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ मोसेस। मैंने इसके ऊपर आपको पहले एक संदेश दिया है, बहुत गहरा संदेश, 32 चैप्टर ऑफ ड्यूटरोनमी। लेकिन आज कुछ और बातें आपके साथ मैं करना चाहता हूं। इसे कहा जाता है द सॉन्ग ऑफ मोसेस, मूसा का गीत। स्वर्ग में दो ही गीत हैं, सुनिए ध्यान से। पृथ्वी पे आप जो भी गीत गाते हो, ये स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में मात्र दो गीत हैं, एक है मूसा का गीत और दूसरा है मेमने का गीत। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास मूसा जो है, जो 32 अध्याय है, इसका एक बड़ा गहरा संदर्भ है। 32 अध्याय में मूसा परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से दिया गया ये गीत गाता है, और परमेश्वर अपने भक्त को इस गीत के बाद ही तुरंत कहता है कि नीबू पहाड़ पे चढ़। नीबू पहाड़ जो हरमन की तरफ है, परमेश्वर मूसा से कहता है इस पहाड़ के ऊपर चढ़। अक्सर मैं आपको हरमन पहाड़ के विषय में बताता हूं, ये वही पहाड़ों की श्रृंखला है जहां माउंट टेबोर है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह जलाली हो गया था, और यीशु मसीह के लेफ्ट एंड राइट साइड पे मोसेस एंड इलाइजा आके खड़े हो गए थे, मूसा और एलिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जगह है जिसे हम नीबू पहाड़, उसकी एक श्रृंखला है हरमन पहाड़ की। जिस हरमन पहाड़ के विषय में हम पढ़ते हैं, साम 133 में लिखा है, भाइयों का इकट्ठे रहना कितनी अद्भुत बात है। ये हरमन पहाड़ पे गिनने वाली उसकी मानद है। आपको मालूम वहां पे भजन लिखने वाला असल में क्या दृष्टांत दे रहा है? वो किस एकता की बात कर रहा है? वो उस एकता की बात कर रहा है जब अजाजेल एक वॉचर, एक खास किस्म के दूत जिन्हें वॉचर कहते हैं, जो हरमन पहाड़ पे उतरे, 200 वॉचर, जिन्हें हनूक अपनी पुस्तक में बताता है परमेश्वर ने भेजा ताकि वो मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करें और परमेश्वर की विधियां उन्हें सिखाएं, लेकिन उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनके हृदय में कुटिल विचार आया कि जैसे मनुष्य पृथ्वी पे अपनी प्रोजनी बनाता है, अपने वंश बना रहा, खानदान बना रहा है, अपनी इमेज को रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो छवि और वो प्रतिबिंब को रिप्रोड्यूस कर रहा है, वैसे हम भी अपनी इमेजेस को रिप्रोड्यूस करें। और अजाजेल के साथ उन्होंने शपथ खाई, उसकी जांग पे थाई पे हाथ रख के शपथ खाई, उस यूनिटी की बात करता है भजन लिखने वाला, कि वो यूनिटी जो कि दुष्टता के लिए थी, वो यूनिटी। हालेलुया। तो मूसा जैसे गीत खत्म करता है, उस पहाड़ पे चढ़ता है नीबू पहाड़, इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में माउंट अबरीम भी कहा गया है। अबरीम, आपको मालूम अबरीम जो है, ये हिब्रू जो वर्ड है, इसको, इसी सेम वर्ड को इजिकियल नबी अपनी पुस्तक के 14 अध्याय में वैली, इस शब्द को, अबरीम को ट्रेवलर बोलता है। ट्रेवलर,
यात्रा करने वाले, सफर करने वाले, और जो कैनेनाइट भाषा में, कनानियों की भाषा में ये जो शब्द है, कैनेनाइट और अमोरी लोग उनकी भाषा में ये शब्द है, इसका मतलब है द स्पिरिट्स ऑफ द जायंट। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो बड़े बड़े हाइब्रिड और नफलीम पैदा हुए, जिब्रीम पैदा हुए, जिन्हें जल प्रलय में यहोवा परमेश्वर ने मार दिया, उनकी जो सोल प्लस स्पिरिट निकली, सोल एंड स्पिरिट, वो डीमन बन गई है, दुष्ट आत्माएं बनी है, वो बदरूहें बनी है जो ट्रेवल करती, उनको ट्रेवलर कहा गया है। ये ट्रेवलर की वैली है, नीबू पहाड़ पे, जिस जगह परमेश्वर मूसा को खड़ा करते हैं, और जहां से मूसा सदोम गमोरा को देखता है, दक्षिणी इज़राइल और पूरे इज़राइल को देखता है, वो वहां पे वैली है, वैली ऑफ द ट्रेवलर। हालेलुया। ये वो बदरुए दुष्ट आत्माएं जिन्हें कनानी लोग, अमोरी लोग माइटी मैन ऑफ वैलर और मैन ऑफ रेनाउन कहते थे, अपने बड़े प्राचीन देवी देवता मानते थे, जो बलशाली थे, शूरवीर थे, सूरमा थे। आप इनका जिक्र मिस्री लोगों की मिथोलॉजी में पढ़ेंगे। मिस्री लोगों की मिथोलॉजी में भी एंजल ऊपर से आए जो मनुष्यों के बीच में रहे, और आप सुमेर की संस्कृति में पढ़ें, सुमेरी लोग, आपको मालूम सुमेरी लोगों का इंडियन लोगों के संग कनेक्शन है, सुमेरियन, जो 6,000 साल से भी प्राचीन सभ्यता, क्योंकि सुमेरु पर्वत में वो मंथन किया गया था, जिसमें से 14 रत्न और अमृत का कलश निकला, उस माउंट का नाम है सुमेर पर्वत। तो सुमेरियन के संग, तो ये सुमेरी लोगों के टेक्स्ट में भी ये एंजल थे, गिब्रीम थे, जायंट थे, और बेबलोनियन कस्तियों के संस्कृति में भी इनका जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कैनानाइट लोग और एमोराइट लोग, उनकी संस्कृति में भी इनका जिक्र आता है। ग्रीक मिथोलॉजी में जैसे हरक्यूलिस हो गया, एटलस हो गया, ये बड़े बड़े जो शूरवीर थे, ये वही फॉलन एंजल हैं, और गिराए गए दूतों का सीड है, उनकी ऑफस्प्रिंग है, उनकी संतानें जो पैदा हुई हैं, ये बुरी। और हमारी संस्कृति में भी ऐसा वर्णन है। ये पूरे विषय में जेनेसिस चैप्टर 6 की श्रृंखला है, जिसे जो लिबरल या ऑर्थोडॉक्स बाइबल टीचर थे, उन्होंने दबाने की कोशिश की, ये कह के कि वो जो परमेश्वर के पुत्र, सन्स ऑफ गॉड है, वो सेथ की औलाद है, और जो डॉटर्स ऑफ मैन है वो कैन की बेटी है। ऐसा नहीं है। तो जो सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 अध्याय अगर जशाया की पुस्तक पढ़ेंगे, 14 अध्याय जशाया की पुस्तक में एक ऐसा स्पिरिट बीइंग है जिसके विषय में जशाया लिख रहा है, जो स्वर्गीय अदन से गिराया गया। अदन का बाग जो पहले स्वर्ग में था, फिर वो पृथ्वी पे आया, उस अदन से इस स्पिरिट बीइंग को गिराया गया, जिसके विषय में 14 अध्याय में, जो आप अक्सर पढ़ते हो, लूसीफर, लूसीफर के संदर्भ में लिखा है 14 अध्याय में। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 14 अध्याय का 17 वचन, इज दिस द वन हु डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड एंड मेड इट विल्डनेस, इज दिस द किंग हु डिमोलिश द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सिटीज एंड हैड नो मर्सी ऑन हिज प्रिजनर्स। ये लूसीफर की बात हो रही है, जिसने राष्ट्रों को गिरा दिया। ये कौन से राष्ट्र थे जिनको लूसीफर ने गिराया, ये फिर किसी समय की स्टडी है। द किंग्स ऑफ द नेशंस लाई स्टेटली ग्लोरी इन देयर टूम, बट यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर ग्रेव लाइक अ वर्थलेस ब्रांच, लाइक अ कॉर्प्स ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, यू विल बी डंप्ड इनटू अ मास ग्रेव विद दोस किल्ड इन द बैटल, यू विल डिसेंड टू द पिट, यू विल नॉट बी गिवन अ प्रॉपर बेरियल, for you have destroyed your nation and slaughtered your people, your son will not succeed you as a king, kill the children of this sinner, do not let them rise and conquer the land and rebuild the cities। ये जो ये स्पिरिट बीइंग है 14 अध्याय में, जिसने रिबेल किया है, जिसे लूसीफर करके लिखा गया यहाँ पे, जब वो पताल में जा रहा है, वो ऊपर से नीचे जा रहा है, पताल से, ये पताल में जा रहा है, तो पताल के अंदर ये कौन है, ये जो किंग्स ऑफ द नेशंस, ये कौन है, ये वो, अब ये वो रफाइम है
जिनको शडीम कहा गया, रफाहीम कहा गया, गिब्रीम कहा गया, उत्पत्ति 6 अध्याय वाले जो पताल के नीचे है। ये लूसीफर को देख के हैरान होते हैं कि जो दशा हमारी हुई है वही तेरी भी हुई है। वो उसको दे आर मॉकिंग एट हिम कि मैगट्स, ओरिजिनल हिब्रू में लिखा मैगट्स विल कवर योर बॉडी, यू विल नेवर बी गिवन अ प्रॉपर बैरियर। उसके विषय में ये बात करते हैं, ये जो ऊपर से ऊपर के स्वर्गी ईडन ऑफ गार्डन से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। तो आपको मालूम जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मूसा को नीबू पहाड़ पे, जो कि इज़राइल की सदरन साइड है, जिसके बिल्कुल पास आपको डेड सी मिलेगा, और डेड सी के साथ आपको 5 सिटीज मिलते हैं जिनको यहोवा ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ज़ोआर को छोड़ के, सदोम और गमोरा, उन 5 शहरों को जिन्हें यहोवा ने गंधक और आग भेज के जिनका महाविनाश कर दिया। आपको मालूम इस जगह को अगर आज आप जाएंगे जहां पे मूसा को भेजा परमेश्वर, जब उसने गीत गाया 32 अध्याय वाला गीत, उसके बाद प्रभु ने मूसा से बोला माउंट नीबू पे चढ़ जा क्योंकि तू कनान में उस वायदे की धरती में जाने ना पाएगा, केवल उसे देख ले। उसे आज टाल अल हमान हमाम कहते हैं, टाल अल हमाम। तो यहाँ पे 5 वो शहर हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, जिनके रिमेन्स आपको मिलेंगे। आर्कियोलॉजिस्टों ने जो उसकी डिगिंग की है तो उन्होंने पाया है कि सल्फर और सल्फर के रिमेन्स पाए, सॉल्ट एंड सल्फर, जिससे परमेश्वर ने इन्हें तबाह किया। तो वहां पे एक वैली है, एक तराई है, एक वादी है पूरी, जिसे 14 अध्याय इज़ेकियल नबी की पुस्तक में वैली ऑफ द ट्रैवलर, ये वो बदरूहें हैं जो क्रॉस ओवर करती है, अंडरवर्ल्ड से क्रॉस ओवर करती है। ये वो जगह है जहां से ये डीमंस, ये दुष्ट आत्माएं क्रॉस ओवर करती हैं। इसे भजनकार राजा दाऊद 23 भजन में जब वो भजन लिखता है, चाहे मैं मौत की तराई की वादी में से होके गुजरूं, मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ये मौत की तराई की जो वादी है, ये वो वादी है जहां पे उन उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के जो मारे गए जल प्रलय के समय, करोड़ों अरबों बड़े बड़े दैत, दानव, गिब्रीम, तरह तरह की जो ब्रीड बनी थी, वो सब की रूहें जहां पे नीचे यहोवा ने कैद की है, और वो ट्रेवल करती है इस वैली में से, इस वादी में। इसे बाशान कहा गया है, बाशान, इसी का नाम प्रभु यीशु मसीह क्रूस से। आपको मालूम बाइबल में 12 मसियानिक साम्स है। मसियानिक भजन का मतलब होता है जो यीशु मसीह के दुखों और पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं। 22 भजन आप पढ़ें और साम 116, 117, 118, तो भजन में प्रभु क्या कहते हैं, 22 भजन में प्रभु कहते हैं कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। ये कुत्ते कौन है? ये वो स्पिरिट्स हैं, वो बदरुएं हैं शैतानी। और फिर प्रभु कहते हैं बुल्स ऑफ बशान, बशान के सांडों ने मुझे घेर लिया है। ये बशान के सांड कहाँ है? ये उस वादी में है, ट्रेवलर्स वैली ऑफ द ट्रेवलर्स, सफर करने वाली बदरूहों की वादी में, जिसके विषय में इज़ेकियल लिखता है। हालेलुया। आपको मालूम इज़ेकियल को जब पवित्र आत्मा उड़ा के लेके आता है, कहां से? किबार नदी से, जब वो यहोवा के आगे विलाप करता है, यहोवा का आत्मा उसे उड़ा के लेके आता है, इज़ेकियल इसी वैली के ऊपर से ट्रेवल करता है, पवित्र आत्मा उड़ा के लेके आता है। और आपको मालूम एलिया जो प्रभु का दास था, वो यर्दन को पार करके यर्दन के तट के संग चलते गए, और आपको मालूम कहां से एलिया ऊपर उठाया गया अग्नि में रथ के अंदर? इसी जगह से, टाल अल हमान, टाल अल हमान नाम की जगह, जिसे हम कहते हैं मृत्यु की तराई की वादी। हालेलुया। ये यहां से मुआब के प्लेन्स दिखाई देते हैं, और एलिया यहीं से ऊपर गया, और प्रभु का दास मूसा जो था, तो
प्रभु ने उसे इसी जगह पे खड़ा किया और उसे कहा, वायदे की धरती जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, उनका दर्शन कर ले। मूसा को इसी पहाड़ पे लाया गया, नीबू से 6 मील परे, यहीं से एलिया ऊपर उठा लिया गया, अग्नि में ही रथ के अंदर ऊपर उठा लिया गया, जब उसने जॉर्डन को क्रॉस किया था और यरीहो की तरफ आगे बढ़ रहा था। एलिया इसी जगह पे था, टॉल अलहमान। हालेलुया। तो यरीहो, टॉल अलहमान और सदम एंड गमोरा जो है ईस्ट वेस्ट साइड को फेस करते हैं। तो यर्दन जो नदी है, यारदान, हिब्रू शब्द है यारदान, डिसेंड करना, ऊपर से उतरना, यारदान। तो आपको मालूम इसका नाम यारदान क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आती है, यारदान, जॉर्डन। और ये कहां से निकलती है? जो हरमन पहाड़ है, हरमन पहाड़ की टॉप पे अगर आज आप जाएंगे, आपको मालूम हरमन पहाड़ पे एक पहाड़ी है जहां पे लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड भूगोल के वो 33 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, ऐसे 33 डिग्री के एंगल पे, जिसकी वजह से बकरे की, जो बकरा है ना, बकरे का ऐसे चेहरा बनता है वहां पर। उस पहाड़ पे 200 वॉचर उतरे थे, 33 डिग्री मेसनरी। फ्री मेसनरी लोगों के बारे में अगर आपने सुना तो 33 डिग्री जो इनिशिएट होती है वो हरमन पहाड़ से लिया गया शब्द है, क्योंकि 33 डिग्री लैटिट्यूड, 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं और बकरे के चेहरे की एक पहाड़ी बनती है जिसके ऊपर वॉचर उतरे। यारेड, आपको मालूम यीशु मसीह की वंशावली में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यारेड। यारेड का मतलब होता उतरना, डिसेंड करना। यारदान वहीं से निकला है, यारेड का मतलब है डिसेंड करना। हालेलुया। यीशु मसीह की वंशावली के जो 10 पहले पैट्रियार्क्स हैं उनके नाम बहुत प्रोफेटिक हैं, फिर किसी समय में उसके ऊपर आपको शिक्षा दूंगा। तो माउंट तबोर जो है उसी श्रृंखला में है जिसमें हम माउंट, जिसे हम माउंट हरमन कहते हैं, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह निराले रूप में चला गया, जलाली हो गया, और एलिया और मूसा यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट पे थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्लॉडे रेनियर कॉन्डोर, ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट था, 18 सेंचुरी में पैदा हुआ ये व्यक्ति। आपको मालूम इसने इज़राइल की, जॉर्डन की और नेबरिंग एरियाज की बहुत आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व विज्ञान की डिस्कवरियां की। क्लॉडे रेनियर कॉन्डोर ब्रिटिश व्यक्ति था और प्रभु का दास था और एक्सप्लोरर था। तो इसने आपको मालूम उस जगह की खोज की जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 और 29 वचन में जब वो कहता है, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड दैट टेकेथ अवे द सिन ऑफ द होल वर्ल्ड, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। तो आपको मालूम वहां पर एक शब्द आता है बैतनी, बैतनी। तो वो व्यक्ति एक स्कॉलरली व्यक्ति है जिसने इसकी खोज की है और वो स्कॉलर भी है हिब्रू लैंग्वेजेस, हिब्रू और एरमिक लैंग्वेज का। तो वो व्यक्ति कहता है, कंटेंड करता है कि जो वर्ड बैतनी है अक्रॉस द जॉर्डन, जहां पे वो कहता है बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, जिसे ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि यरीहो के पास ये जगह है नियर जेरिको, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया, वो जगह वर्ल्ड हेरिटेज है। तो आपको मालूम कॉन्डोर क्या कहता है? कॉन्डोर कहता है ग्रीक वर्ड जिसे बेतनी ट्रांसलेट किया गया, वो असल में जो शब्द है बेतनाया, ट्रांसलेटेड बेतनी, वो असल में बथिनिया है, बथिनिया है जो कि ग्रीक वर्ड है बशान के लिए, वो असल में जगह बशान है, वही वैली ऑफ द ट्रेवलर है, वही जगह है जहां पे मूसा को परमेश्वर ने कनान देश देखने की इजाजत दी, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे दिया करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की इसी इलाके में की, बशान के इलाके में, उस इलाके में
जहां पे वैली है ऑफ द ट्रेवलर, दुष्ट आत्माओं और बदरुओं के पास के वो क्रॉस ओवर करती हैं बदरुएं, उनकी वो वैली है, तराई है, जिसे राजा दाऊद भजन 23 में वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ कहता है, मृत्यु की तराई की वादी कहता है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई वहीं शुरू करते हैं, वहीं पे ऐलान करते हैं स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। योना रचित सुसमाचार 1:35 को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जो पहले चेले हैं वो सब के सब चेले इसी इलाके के हैं, क्योंकि यीशु मसीह सी ऑफ गलील के समुद्र के उत्तरी दिशा में सेवकाई शुरू करते हैं, बैतसैदा और कफरनम में। बैतसैदा और कफरनम जो नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ जगह है, जहां से ये हरमन पहाड़ और वो तराई की वादी और हालेलुया, जब योना बपतिस्मा देने वाले की शहीदी हो जाती है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कफरनम चले जाते हैं, वो उस इलाके को छोड़ देते हैं, उत्तरी इलाके को, और कफरनम में चले जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कफरनम के इलाके में, एक्सट्रीम इलाके में जाके सेवा करने लगते हैं। मैं एक वचन पढ़ता हूं, क्यों यीशु मसीह उस इलाके में चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु का दास मती जशाया नबी की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। इसका 4 मती रचित सुसमाचार, इसका 4 और इसका 12-13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिए। मती 4 और 12 सुनिए। When Jesus heard that John had been arrested, he left Judea and returned to Galilee. But instead of going to Nazareth, he went to Capernaum. वो जूडिया से चला गया, किस तरफ चला गया? यीशु मसीह जूडिया से चला गया कपर्नम, बिसाइड द सी ऑफ गैलिली इन द रीजन ऑफ जबलून एंड नफ्ताली। मैंने इस पे आपको संदेश दिया था, यीशु मसीह जबलून और नफ्ताली को प्यार क्यों करता है। हालेलुया। अगर आपको याद होगा तो, खैर, यीशु मसीह क्यों गया? ताकि जशाया की भविष्यवाणी पूरी हो जाए। जशाया नबी ने 9 उसके 1 और 2 में ये भविष्यवाणी की थी, इन द लैंड ऑफ जेबलन एंड नफ्ताली बिसाइड द सी बियॉन्ड द जॉर्डन रिवर, जर्दन के परे, इन गैलिली वेयर सो मेनी जेंटाइल लिव, द पीपल हु सैट इन डार्कनेस हैव सीन अ ग्रेट लाइट। वो लोग, असली भाषा में लिखा है, वो लोग जो अंधकार और मौत की तराई में बैठे थे, उनके ऊपर बड़ी रोशनी चमकी। ये रोशनी है खुदावंद यीशु मसीह। जो लोग मौत और तराई की वादी में बैठे थे, राजा दाऊद जिसका उल्लेख 23 में करता है, ये मौत और तराई की वादी में गैर कौमें बैठी है। मौत और तराई की वादी कौन सी है? जहां पे बदरुएं, डीमंस, वो गंदी आत्माएं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 की बदरुएं ट्रेवल करती, वो जगह जहां पे बशान के सांड है और डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, जहां बदरुओं का गढ़ है, उस जगह परमेश्वर मूसा को खड़ा करते हैं और मूसा वहां पे गीत गाता है 32 व्यवस्था विवरण में। उसके बाद प्रभु उसे दिखाते हैं अद्भुत धरती और दिखाते हैं वो ट्रेवलर की वैली। और मत्ती लिखता है जशाया नबी की भविष्यवाणी कि मौत की तराई की वादी में बैठे लोग के ऊपर स्वर्गीय ज्योति चमकी है। हालेलुया। एंड दोज हु लिव्ड इन द लैंड वेयर डेथ कास्ट इट्स शैडो, जहां पे मौत की तराई की वादी है, जहां वो लोग रहते हैं, उनके ऊपर यहोवा की रोशनी चमकी है। मौत की तराई की वादी, इज़ेकियल 14 में और 32 के अंदर जो मैंने आपको वचन दिया कि वो भजन गाता है मूसा, उसके ऊपर खड़ा होता है मूसा, और मूसा की मृत्यु भी वही होती है और प्रभु उसे खुद बैरियल देते हैं। ये वही जगह है जहां से एलिया अग्निमय रथ में उड़ गया। जो बदरुओं की दुनिया है, फॉलन रेलम की, शैतानी आत्माओं की दुनिया, उनके विरुद्ध यहोवा ने युद्ध छेड़ा।
ये जो बदरुए हैं, रफाहीम हैं, शदीम हैं, मैंने इनके ऊपर आपको शिक्षा दी, इनके अलग अलग नाम क्या हैं, डिपार्टेड सोल्स हैं, ये जो नीचे दबे हुए किंग्स हैं, आत्माएं हैं, इनके संग यहोवा का संग्राम है। ये वो जगह है जहां पे पोर्टल खुलता है, स्वर्ग का पोर्टल खुलता है और नीचे नरक का फाटक खुलता है। उसी पॉइंट से एलिया रथ पे चढ़ के ऊपर चला गया, उसी पॉइंट पे जाके परमेश्वर ने मूसा को बैरी बैरी कर दिया, दफन कर दिया। उसी पॉइंट पे ये, उसी जगह पे ये बदरुएं जो हैं ट्रेवल करती हैं। हालेलुया। तो ये तराई की वादी है, मृत्यु की तराई की वादी, एरिया ऑफ साउथ सोडम, सदोम की दक्षिणी जगह, जो मुआब के प्लेन है, जिसे इजिकियल कहता है कि वैली ऑफ द ट्रेवलर, दुष्ट आत्माओं की वो जगह है। हालेलुया। बिटवीन माउंट हर्मन एंड डेड सी, माउंट हर्मन जो है ऊपर उत्तर में और डेड सी दक्षिण में, इसके बीच में ये पूरी तराई जा रही है, ऐसे गहरी खाई है जहां पे सूर्य की रोशनी भी कम पहुंचती है। इस तराई में अगर आप जाएंगे इसराइल में, बहुत से इसराइल जाने वाले टूर जो हैं इस तरफ नहीं लेके जाते, ये बहुत डिफिकल्ट है और बड़े हाई लेवल की रिसर्च करने वाले लोग जाते हैं। 25,000 मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलेंगे इस वैली, ये जो वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ है, मौत की तराई की जो वादी है, ये बहुत लंबी है, हरमन पहाड़ से लेके नीचे डेड सी तक है। इसके अंदर 25,000 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर्स हैं, जैसे आपके एक बड़े कमरे जितने बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों के ऊपर पत्थर टिका के रखे हैं और वो बैलेंस किए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े पत्थर हैं जिन्हें आज भी कोई सुपर क्रेन उठा नहीं सकती। तो उन दैंतों ने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं नीचे। ये स्ट्रक्चर्स किस लिए है? ये शैतानी पूजा करने के लिए, बलियां देने के लिए, दुष्ट आत्माओं की उपासना करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे एक शैतानी काम क्या किया जाता था, जो मर गए हैं नीचे, फॉलन रफाइम है, गिब्रीम है, और जो शेडीम है, वो जो दुष्ट आत्माएं बुद्रुए हैं, उनको वेनिरेट किया जाता था, उपासना करने के लिए, उनकी उनको ऑफरिंग चढ़ाने के लिए। आप जाएंगे इसराइल में, आपको एक इसी वैली के अंदर एक जगह मिलेगी, गिलगाल रफाइम, गिलगाल के पास रफाइम एक बहुत बड़ा मेगालिथिक स्ट्रक्चर बना हुआ वहां पे, जैसे एक कब्र है ऐसे सेंटर में, उस कब्र के इर्द गिर्द स्टोन ऐसे लगाए हैं गोल चक्कर में, बिल्कुल एक्यूरेट उनका डायामीटर है, इधर उधर बिल्कुल नहीं, लेकिन बड़े बड़े चट्टाने हैं जिनको कोई उठा नहीं सकता, ऐसे ही करके एक लेयर है, फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, तो बहुत बड़ा मेगालिथिक स्ट्रक्चर है। बीच में किसी रफाइम की कब्र है, किसी फॉलन एंजल की, वो जो हाइब्रिड थे उनमें से किसी की कब्र है। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर माइकल फ्रीडमन, आप गूगल सर्च करें तो उनके विषय में आपको मिल जाएगा, जो मैंने क्लॉड रेनियर कॉन्डोर, ब्रिटिश एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट के विषय में बताया, मैं इनकी पुस्तकें अध्ययन करता हूँ और इनके काम देखता हूँ, क्या क्या काम इन्होंने किए, आप ऑनलाइन बहुत कुछ देख सकते हो। इन्होंने जो एक्सकेवेशन की है, तो इन्होंने देखा है कि एंसेस्टर्स की जो बुजुर्ग मर गए उनकी कब्र है बनी हुई, जो बदरुए दुष्ट आत्माएं या बड़े वेनिरेटेड राजा हुआ करते थे उनकी अंदर ग्रेव्स बनी हुई है, जिनको उन्होंने डोम का नाम दिया है, ग्रेव ऑफ द डेड। सार्डिनिया नाम का एक एरिया मिलेगा आपको, माउंटेड अकॉर्डी सार्डिनिया, वहां पे यही ग्रेव्स मिलेंगी बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, 25,000 मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं इस तराई की वादी में, जो शैतानी पूजा करने के लिए, बलिदान देने के लिए, ऊंची जगहें बनाने के लिए और बदरुओं को सम्मन करने के लिए, इन दुष्ट आत्माओं को कैसे वापस बुलाना है उसके लिए ये चीजें वहां पे बनाई गई हैं। नेदर वर्ल्ड को, नीचे की दुनिया को जगाना, पताल को जगाना और पताल की बदरुओं को जगा के बाहर। तो 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये मूसा का गीत है, व्यवस्था सार 32 अध्याय, मूसा का गीत जो मूसा ने गाया, कहां पे गाया? उस मौत की तराई की वादी में गाया, वहीं है तो शुरू हो रही है मौत की तराई की वादी, ये लंबी जाती है साउथ इज़राइल से
नॉर्थ इज़राइल की ओर जाती है। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकालिए प्रकाशित वाक्य और उसका 15 अध्याय। मैं जानबूझ के लेट नाइट ये स्टडी कर रहा हूं कि जो लोग वचन जानना चाहते हैं केवल वही कनेक्ट हो। हालेलुया। 15 अध्याय और प्रकाशित वाक्य, और इसमें से मैं आपके लिए 2 वचन पढ़ता हूं, सुने। 15 प्रकाशित वाक्य 15 उसका 3 वचन से लेके 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एंड देवर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द सॉन्ग ऑफ द लैम। वो मूसा का गीत गा रहे हैं, पहले है मूसा का गीत और मेमने का गीत। Great and marvelous are thy actions, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of nations. Who will not fear, Lord, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous deed have been revealed. ये गीत गा रहे हैं, आपको मालूम? अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, तो परमेश्वर क्या करने जा रहा है? 7 दूत खड़े हैं, उनके पास 7 प्याले हैं, जिनके अंदर जजमेंट है, क्रोध है, परमेश्वर का न्याय है। वो ऐसे पृथ्वी पे उल्टा होने वाला है। उससे पहले ये गीत गाते हैं। ये कौन लोग हैं जो गीत गा रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान पे विजय पाई है, जो 7 साल शैतान ने सताव डाला इन धर्मी संतों के ऊपर, ये उस पर विजयी हुए। कैसे? मेमने के लहू के द्वारा, अपने मुंह की सच्ची गवाही के द्वारा ये विजयी हुए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी से प्यार नहीं किया। 3 खास बातें हैं। ये मेमने के लहू से सने रहे, लिपटे रहे मेमने के लहू के नीचे। फिर इनके मुंह में सच्ची गवाही थी, झूठी गवाही नहीं। फिर ये प्रभु को प्यार करते थे, अपने जीवन को भी नहीं करते, इसलिए ये शैतान पे विजयी हुए। तो इन्हें हक मिला ये गीत गाने का। हालेलुया। तो ये गीत गा रहे हैं शैतान पे विजयी होके। प्रभु ऐलान कर रहा है, 32 जो भजन 32 अध्याय व्यवस्था सार में मूसा गाता है, उस भजन के द्वारा प्रभु ऐलान कर रहा है बीस्ट पे, शैतान पे, बीस्ट जो दरिंदा निकलने वाला है। 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य, जो दरिंदा है, शैतान है, उसके ऊपर प्रभु और उसके जितने दूत हैं उनको प्रभु कहता है, क्या कहता है? कि मैंने तुम्हें भेजा था पृथ्वी पे, तुम इमोर्टल थे। साम 82 पढ़ना जिसमें इनका न्याय है। प्रभु कहता था तुम तो अमर थे, पर अब तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। इनका न्याय होगा, इन फॉलन एंजल्स का। हालेलुया। परमेश्वर अभी इनका न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अमरता दी, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तुमने सोचा तुम मुझे हरा दोगे, पर देखो मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। प्रभु ये भी घोषणा कर रहा है कि ये जो मेरे संत हैं नए नियम के, जो मेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा के अमृत जल को पिया है, और जो मेरे वचन के द्वारा नई सृष्टि बनी है, ये तुम्हें हराएंगे। और प्रभु कह रहा तुम मुर्दों में से जी नहीं उठोगे, ये जी उठेंगे। अमरता अब तुम्हारी नहीं है, अमरता अब इनकी है, आदम की जात में से, जिन्होंने बर्रे के लहू में स्नान किया है, अब अमरता उन्हें मिलेगी। हालेलुया। आपको मालूम भजन 23 में राजा दाऊद मृत्यु की तराई की वादी की बात करता है। उसमें 7 अद्भुत बातें हैं जो आज मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 बातें करूंगा, एक तो मैं आपके संग कर रहा हूं मृत्यु की तराई की वादी, दूसरा राजा दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, हर समय ओवरफ्लो, क्योंकि ऊपर से परमेश्वर डालता जा रहा है लगातार, और वो ओवरफ्लो होता जा रहा है। आपको मालूम आपके कटोरे में, आपके प्याले में, आपके कप में जो कंटेंट है वो आपका है, जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आप बोते जा रहे हैं, वो संसार के लिए है, जगत के लिए है। हालेलुया। आपको मालूम पहलौठा जो पुत्र होता है, पहलौठा पुत्र, उसे सन ऑफ द कप कहा जाता है। एलीशा को कहा जाता था सन ऑफ द कप, उसके विषय में लिखा एलीशा
जो एलिया के हाथ पे पानी डालता था कप लेके, ही वॉज द सन ऑफ द कप, प्याले का पुत्र। आपको मालूम जो सन ऑफ द कप होता है वो पहलौठा पुत्र होता है, पहलौठा पुत्र, और पहलौठे पुत्र को दुगना हिस्सा मिलता है। जब एलिया से एलिशा दुगना हिस्सा मांगता है रूह का, आत्मा का, तो वो केवल ये नहीं कह रहा है कि जितने चमत्कार तूने किए उसे दुगने मैं करूं, जितना अद्भुत पराक्रम के काम तूने किए उससे दुगने मैं करूं, ये नहीं कह रहा। वो दुगना हिस्सा मांग के ये घोषणा कर रहा है कि मैं तेरे प्याले का पुत्र हूं, सन ऑफ योर कप, मुझे अपना पहलौठा पुत्र होने का अधिकार दे, पहलौठा पुत्र होने का, मैं तेरा उत्तराधिकार। जो पुत्र है पहलौठा उसे पिता का सब कुछ मिलता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि लोग मुझे पापा डैडी कहें, तो उनको हिस्सा भी देना पड़ेगा भाई, ऐसे मुंह जवानी पुत्र नहीं बनते कोई। पुत्र वारिस होता है, इनहेरिटेंस में, मिरास में उसे हिस्सा। अब ये मत बोलिएगा कि स्पिरिचुअली हिस्सा मिलता है, आत्मिक भौतिक हर प्रकार का हिस्सा मिलता है। हालेलुया। तो ये पुत्र क्या करता है, टू पोर आउट लाइबेशन, एक अर्घ दिया जाता है, अर्घ की ऑफरिंग, ऐसे पानी उंडेला जाता है, ये पानी उंडेलने की ऑफरिंग देता था एलिशा। हालेलुया। तो पहला पुत्र पानी उंडेलने की ऑफरिंग देता है। दुनिया के हर संस्कृति में, आप देखिए हमारे देश की संस्कृति में, जो पहलौठा पुत्र होता है पिता के मरने पे पानी का मटका लेके जाता है और वो मटका पानी का फोड़ता है, वो पानी की ऑफरिंग देता है अपने पिता को। दुनिया के प्राचीन संस्कृतियों में अगर आप अध्ययन करेंगे, मिस्र से अध्ययन करें, सुमेर का अध्ययन करें, अकेडियन का, कस्तियों का अध्ययन करें, आप हर प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करें, उसमें पहलौठा पुत्र पिता को, मरे हुए पिता को पानी पिलाता है, पानी का अर्घ देता है, और हर प्राचीन धर्म के अंदर पितरों को खाना खिलाया जाता है। जो पितर मर जाते हैं, एक दिन होता है जब पितरों को खाना खिलाया जाता है, पूरा भोजन पितरों को कराया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु इनके ऊपर घोषणा करता है, ये जो शेडीम है, रफाइम है, जो नीचे दबे हुए हैं, प्रभु कहता है तुम वापस नहीं आओगे, अब मैं तुम्हें मुर्दों में से उठने नहीं दूंगा। रफाइम, बाइबल में क्या क्या टर्म है, रफाइम, द डेड, द शेड्स, शेडीम, द डिपार्टेड, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की गई है बाइबल के अंदर। तो ये जो रफाइमों की बात है, इसे अभी स्कॉलर समझने लगे हैं पिछले 15-20 सालों में, पहले ये भेद, ये प्रकाश खुला नहीं। इसे कहा गया था कल्ट ऑफ द डेड। इजरायली लोग जो थे, वो अन्य जाति के लोग जो उनके इर्द गिर्द अपने पितरों की पूजा करते थे, कल्ट ऑफ द डेड मानते थे, इजरायली लोग भी उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे। किस बम करके ये प्रथा है, एक कनानियों की, कनानी लोगों की, किस बम, जिसमें वो पुरखों की जो मर गए हैं उनकी उपासना करते हैं, अमोरी लोग भी ये पूजा करते हैं, 30वें दिन, हर महीने के 30वें दिन, जब चांद नहीं होता, जिसे अमावस की रात कहते हैं, उस रात को ये पूजा करते हैं और अपने पुरखों को बुलाते हैं, सम्मन करते हैं, और उनके लिए खाना रखते हैं और पानी की लिबेशन देते हैं, पानी की ऑफरिंग देते हैं। आपको मालूम तराफीम के विषय में बाइबल में लिखा है, तराफीम, जो कोई बुजुर्ग मर जाते थे उनकी गर्दन उतार लेते थे, उस गर्दन को दिव्य पदार्थ लगा के सुखा लेते थे, तो वो बिल्कुल संकन स्कल बन जाती थी, ऐसे उसको घर में टांगा होता था, उसके द्वारा वो बातें करते थे, उसके अंदर से बदरुआ उन्हें रास्ता बताती थी क्या करना क्या नहीं करना। तो रेचल जो यकूब की बीवी थी, वो अपने पिता लबान के तराफीम उठा के ले आई, क्योंकि उसका पिता लबान तराफीमों से, जो मर गए हैं पुरखे, उनकी आत्माओं से बात करता था, वो इसलिए उठा के ले गई क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती थी, और उनका पति अपने ससुर के घर को छोड़ के दूर जा रहा है, वो जानती थी कि उसका पिता तराफीमों से पूछ के उन्हें ढूंढ लेगा, उनके पीछे आ जाएगा, इसलिए वो उठा के ले गई तराफीमों को। तो तराफीमों के मुंह में पानी डालते हैं, तराफीमों को खाना खिलाते हैं, जैसे हमारे देश में भी लोग मूर्तियों को खिलाते और पिलाते हैं। ये है किस बम,
कल्ट ऑफ द डेड, मुर्दों के संग वार्तालाप करना, मुर्दों की दुनिया के संग कनेक्ट होना, उन्हें खिलाना और उन्हें पिलाना। कई लोग जो पुराने कल्ट हैं, फोनीशियन और एमोराइट कल्ट हैं, उसमें वो अपने पुरखों के लिए एक कुर्सी रखते हैं छोटी सी बना के। जब वो उन अपने पुरखों की आत्मा को बुलाते हैं तो वो कुर्सी ऐसे हिलने लगती है, रॉकिंग चेयर। कई लोग छोटा सा चैरियट बना के रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो रथ है वो उन ट्रेवलर को, उन यात्रियों को जो दूसरी दुनिया में जा रहे हुए हैं, उन्हें रथ में बिठा के लेके जाते हैं। तो रथ और रॉकिंग चेयर वो लोग रखा करते थे नेदर वर्ल्ड से, दूसरी दुनिया से वो आए और उनके लिए पानी की ऑफरिंग ले लेते थे। और पहलौठा पुत्र ये काम करता था, जिसे सन ऑफ द कप कहा जाता था। मेसोपोटेमियन जो लोग थे वो भी इसे मनाया करते थे। वो इसलिए मनाते थे मेसोपोटेमियन लोग, क्योंकि वो मानते थे अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम की याददाश्त खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपने एंसेस्टर्स के संग, अपने पुरखों के संग, मरे हुई आत्माओं के संग कनेक्ट नहीं हो गए तो तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त पृथ्वी से खत्म कर दी जाएगी। दूसरा सैमुएल 18 अध्याय का 18 वचन पढ़िएगा, दूसरा सैमुएल 18:18, उसमें दाऊद का बेटा अबशलोम जो है वो राजा की वादी में अपने लिए पिलर खड़ा करता है, खंबा खड़ा करता है। वो कहता है मेरे कोई औलाद नहीं होगी तो मेरा नाम पृथ्वी से मिट जाएगा। तो लोग अपने पुरखों के संग, एंसेस्टर्स के संग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वो अपने नाम की श्रृंखला को जीवित रखना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें तराई की वादी में लेके जाता है, हमें सिखाने के लिए, मौत की तराई की वादी में हमें सिखाने के लिए। और जो शडीम है वहां पे, बदरुए हैं, रफाइम है, जो पताल के नीचे की दुनिया, नेदर वर्ल्ड में बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं, उनको भी यीशु मसीह संदेश देता है जब हमें तराई की वादी में लेके जाता है कि तुम अब मुर्दों में से जी नहीं उठोगे। ये जो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ये जी उठेंगे। तुम इमॉर्टल थे, तुम अविनाशी थे, पर तुमने मेरे विरुद्ध बलवा किया। तुम अपनी इमेज, यहोवा ने अपनी शक्ल और सूरत में हमें बनाया, ये एंजल आके अपनी शक्ल और सूरत में मानव जाति को पैदा करना चाहते थे। हालेलुया। ताकि तुम अपना नाम जीवित रख सको, अपनी शक्ल सूरत में पैदा करना चाहते थे ताकि उनकी पीढ़ियां हो और उनका वंश आगे चले, उनका नाम आगे चले। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है दुष्ट की याद पृथ्वी से मिटा दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ये जो इमेज है, ये छवि है, ये जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध में आ रहा है। तो भजन जो प्रकाशित वाक्य 15 में प्रभु टेबल को टर्न कर देता है। आपको मालूम गोलन हाइट बशान का जो इलाका है, एंशिएंट बशान, यहां पे ये वैली है, शिडीम की ये वैली जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो प्रभु का भक्त कहता है मैं उस वादी में से चलूंगा, आई विल फियर नो ईवल, मैं किसी बुराई से ना, बुराई कहाँ रहती है, मैं किसी बुराई से ना डरूंगा। बुराई कहाँ वास करती है? इस वैली के अंदर वास करती है। मैं बुराई से ना डरूंगा क्योंकि प्रभु यहोवा तू मेरे संग है। और फिर दूसरी बात को कहता है, क्या कहता है? कहता है मेरा कप जो है ओवरफ्लो कर रहा है, मेरा प्याला। हालेलुया। आप न्यायियों के समय पुस्तक पढ़िएगा, न्यायियों की, न्यायियों के समय और उससे भी पहले, न्यायियों के समय से भी पहले जो एमोराइट लोगों की बात है न्यायियों की पुस्तक में, अमोरी, अमोरी अपने राजाओं की बड़े बड़े स्टैचू बनाते थे। आपको अगर आप इज़राइल में जाएंगे आपको ऐसे रेलिक मिलेंगे कुछ अमोरी लोगों का इतिहास के, उनके राजाओं के बड़े बड़े स्टैचू बने हुए हैं और उनके राजा लोग हाथ में कप पकड़े हुए हैं। एक राजा एक रानी है, किंग है उसकी कॉन्सोर्ट है, उन दोनों के हाथ में प्याले बने हुए हैं, ऐसे चकान को कूद के प्याले बनाए गए हैं। तो वो प्याले जो हैं भरे जाते हैं, उनके श्रद्धालु जाते प्यालों को भरते रहते हैं और वो प्याले ओवरफ्लो करते रहते हैं। यही बात राजा दाऊद कह रहा है ये जो रफाइम है, शडीम है, इनके प्याले भरे नहीं जाएंगे, मेरा प्याला उमड़ता रहेगा क्योंकि स्वर्ग से एक धारा बह रही है
जो मेरे कटोरे के अंदर गिरती है और मेरा कटोरा ओवरफ्लो करता रहेगा। तो राजा दाऊद इसमें क्या डिक्लेयर करता है, मेरा प्याला हमेशा ओवरफ्लो करेगा, मुझे कभी कमी नहीं होगी, मैं हमेशा बोता रहूंगा, ओवरफ्लो जाता रहेगा हमेशा संसार में, बोता रहेगा। हालेलुया। और दूसरी बात क्या कहता है, मुझे प्रभु ने राजा बनाया है, मैं परमेश्वर का राजकुमार हूं। हालेलुया। और उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे मसा किया है, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास रखता है, मैं तराई की वादी की जो खौफ है उससे कभी भी डरूंगा। ये डेक्लरेशन कर रहा है राजा दाऊद किसे, फॉलन दुनिया को, फॉलन वर्ल्ड को, रफाइमों को, शेडीमों को, और उन बड़े जायंट की दुष्ट आत्माओं को ये डिक्लेयर कर रहा है राजा दाऊद। हालेलुया। वो ये भी कह रहा है कि अब वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा करते हैं वो डिवाइन काउंसिल का हिस्सा है। ये जो 200 फरिश्ते थे ये यहोवा परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल का हिस्सा थे, स्वर्गीय अदालत का हिस्सा थे ये। अब ये नहीं रहे, अब हमें प्रभु अपनी डिवाइन काउंसिल का हिस्सा बना रहा है। हालेलुया। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि स्वर्ग खुलता है। अगर आप पढ़ेंगे ये देखिए 15 अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य। Then I saw in heaven another significant event, and it was great and marvelous. 7 angels were holding 7 last plagues, which would bring God's wrath to completion. 7 दूत खड़े हैं, उनके हाथ में 7 कटोरे हैं, कटोरे 7 परमेश्वर के कटोरे, मेरा प्याला उमड़ रहा है राजा दाऊद का। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसका आगे से पढ़ता हूं एक वचन आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 6 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, सॉरी 5 वचन। देन आई लुक्ड एंड सॉ दैट टेम्पल इन हेवन गॉड्स टैबरनेकल वाज थ्रोन वाइड ओपन। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला 15 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 5 वचन में स्वर्ग के अंदर यहोवा परमेश्वर का मंदिर टैबरनेकल को खुले हुए देखता है, यहोवा की टैबरनेकल जहां पे यहोवा की गवाही दी जाती है वो खुल गई है। और लिखा है एंड 7 एंजल्स हु वर होल्डिंग द कप्स ऑफ 7 प्लेग केम फ्रॉम द टेंपल क्लोथ्ड इन स्पॉटलेस वाइट लिनन एंड गोल्ड बेल्ट अक्रॉस देयर चेस्ट। 7 दूत निकलते हैं, 7 प्याले हैं उनके हाथ में, यहोवा के क्रोध से भरे हुए हैं, और उन्होंने सफेद पोशाक पहनी है और सोने का पटका है जो दूतों ने बांधा हुआ है। यहोवा परमेश्वर, ये जो राजा खड़े हैं फॉलन वर्ल्ड के, गिरी दुनिया के, शैतानी दुनिया के, रफाइम शेडीम बदरुए, जो उनके जो स्टैचू बने हैं उनके हाथ में प्याले हैं ताकि प्याले भरे रहें, यहोवा उनके प्यालों के अंदर अपना क्रोध डालने जा रहा है। पृथ्वी के ऊपर अपने क्रोध के कटोरे यहोवा उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। यहोवा के क्रोध के प्याले पृथ्वी के ऊपर उतरने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का भक्त कहता है मेरा प्याला तूने लबरेज किया है, मेरा कप, मेरा प्याला ओवरफ्लो कर रहा है। तो यहोवा की जो प्लेग के, यहोवा के जो पोप के प्याले हैं, ये उन प्यालों के संग कनेक्ट हैं जो लोग मरी हुई बदरुओं को कटोरे भरते हैं, उनको लिबेशन ऑफरिंग देते हैं, उनको पानी का अर्घ देते हैं बदरुओं को, शैतानी दुनिया को। प्रभु कहता मैं तुम्हें अब पानी का अर्घ देने जा रहा हूं, अपने क्रोध के कटोरों में से पिलाने जा रहा हूं। एक वॉरन नाम के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1869 में, 1869 में वो माउंट हरमान पे चढ़ गए, पहाड़ के ऊपर चढ़े, और उन्होंने उसकी इसको एक्सप्लोर किया। जो हरमन पहाड़ है, हरमन पहाड़ के ऊपर बहुत सी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले उन्हें, यहाँ तक कि ग्रीक संस्कृति के अवशेष भी मिले। स्टेला जिसे हम बोलते हैं,
स्टेला के ऊपर कुछ ग्रीक राइटिंग्स भी मिली, लेकिन उससे भी प्राचीन जो एंशंट राइटिंग है जो कि बेबलोनियन कसदी लोग और सुमेरी लोगों का जो देवता था एल, एल देवता का, एल जो कि परमेश्वर इलोहिम के नाम की नकल की है शैतानी दुनिया ने, एल जो देवता है उसका टेंपल है उस पहाड़ के ऊपर बना हुआ, हरमन पहाड़ के ऊपर, और उसके बीच में से, पहाड़ के बीच में से जैसे बड़े टेंटों ने ऐसे कस्सी मार के ना बीच में से मिट्टी निकाल ली है और वो एक कप बन गया, ऊपर से कटोरा बन गया जिसके अंदर पानी की भेंटें चढ़ाई जाती थी। लोग नीचे उसके बॉटम पे पहाड़ के पान देवता का मंदिर है, पान जो शब्द है ना पैनथिज्म जिसका मतलब हर चीज परमेश्वर है, पैन का मतलब हर जगह हर हर चीज में, थिज्म का मतलब परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर है, जो ये डॉक्ट्रिन है पान देवता की है, और जो पान देवता है वो पताल का गेट कीपर है, वहां से नीचे पताल का मार्ग जा रहा है और वहीं से यर्दन निकल रहा है, यर्दन का पानी हरमन पहाड़ की बर्फ को पिघल के जो पानी का चश्मा बनता है, तो मिट्टी वहां से निकली हुई है क्योंकि वो देवता एल जो है पानी की भेंट लेता है। यरेड, मैंने आपको बताया यरदान, यरेड का मतलब उतरना नीचे आना, तो वो जो भेंट है जो हरमन पहाड़ के ऊपर एल देवता को भेंट चढ़ाई जाती है उस भेंट का नाम है यरेड, उतरना पानी का, वहां पे उतरना पानी का अर्घ उस देवता को देना, और यरेड जो है यरेड लिबेशन ऑफरिंग भी है, और यरेड एक नाम है बाइबल में एक पुरखे का, एक पेट्रिया का जिसका मतलब है उतरना। उन्हीं दिनों में, यरेड के दिनों में ये 200 दूत उतरे हरमन पहाड़ पे, और असल में ये 200 दूत तब उतरे जब पानी की भेंट उस देवता को चढ़ाई जा रही थी। वॉरेन की एक बुक है पैलेस्टीनियन एक्सप्लोरेशन, उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा जो ऊपर बना है, ऐसे जो मैंने आपको बताया गिलगाल रफाइम, बीच में कबर है, उसके बीच में ऐसे गोल सर्कल है, गोल सर्कल है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अगर आप देखेंगे काबा में जब मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं तो यूं घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, गैलेक्सी गैलेक्सी की फॉर्मेशन करते हैं, एक गैलेक्सी की रिजेंबलेंस। हालेलुया, अगर आप एंशंट दुनिया के जो बाइबल के संग जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करें तब आपको ये सब चीजें मिलेंगी। हालेलुया। एमोराइट, अमोरी लोग मानते थे अगर कटोरे से पानी के अर्घ की ऑफरिंग नहीं दी जाएगी तो तुम जीवित नहीं रहोगे, यू विल सीज टू एग्जिस्ट, तुम्हारा नाम आगे नहीं चलेगा। तो मसीह लोग भी इन बातों को लेते थे, तो परमेश्वर 7 कटोरे भेज रहा है पानी की ऑफरिंग देने के लिए, 7 एंजल दूतों ने जो सोने का पटका बांधा है वो परमेश्वर की पवित्रता ही को दिखाता है। हालेलुया। और अब मैं एक आखिरी वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 8 वचन, यहाँ लिखा है द टेम्पल वॉज फिल्ड विद स्मोक, जब वो कटोरे उड़ेले गए तो परमेश्वर की हैकल धुएं से भर गई। ये धुआं कहां से आया? यहोवा के जलाल से पैदा हुआ, ये जलाली बादल है धुएं का। एंड पावर, ग्लोरी एंड पावर, नो वन कुड एंटर द टेंपल अंटिल 7 एंजल्स हैड कंप्लीटेड पोरिंग आउट द 7 प्लेग्स। उस हैकल के अंदर कोई घुस नहीं पाया जब तक 7 दूत अपने 7 कटोरे उंडेल नहीं रहे। धर्मी का कटोरा, सुने ध्यान से, एक परमेश्वर के जन का जो यीशु मसीह के मार्ग पे चलता है, जो अपने शरीर को क्रूस पे रोज चढ़ाता है, जो सकरे फाटक से अंदर जाता है और तंग राह पे प्रतिदिन चलता है, जो पवित्र और धर्मी जीवन जीता है, जो यहोवा के भय में जीवन व्यतीत करता है, यहोवा उसके कटोरे को रोज भरता है करुणा से। करुणा और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करेंगी। करुणा और भलाई से कटोरा रोज भरा जाता है और वो उमड़ता, केवल भरा नहीं रहता, उमड़ता रहता हर समय। आप हर समय प्रभु के लिए देते जा रहे हो, आपको कोई कमी नहीं। और जो दुष्ट हैं उनके कटोरों में यहोवा अपना क्रोध स्वर्ग से उंडेल रहा है, उन्हें स्वर्ग से अपने क्रोध की ड्रिंक ऑफरिंग दे रहा है।
यहोवा परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। प्रभु, आपके वचनों को हमारे हृदय की तख्तियों पे प्रिंट कीजिए पिता। जब ये यूट्यूब पे डाला जाए, जितने लोग सुने उनकी आंखें खुले और वो आपके जीवित वचनों की गहराई को समझने पाए। बरकत दीजिए, यीशु मसीह के चलाने में। आमीन। सबको जय मसीह की।